अरे ये बाबा कहाँ रह गए, अभी तक आए नहीं। कितनी जरूरी बात करनी है मुझे, पता नहीं कहाँ रह गए, अभी तक आए नहीं। हरिओम 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 हरिओम। अरे बाबा आप इतना टाइम कहाँ लगा दिए, बहुत टाइम लगा दिए आने में। अरे बालक क्या बताऊँ, रास्ते में इतने इतने परेशान लोग मिलते हैं हमें, देखो कभी किसी का इलाज कभी किसी का इलाज। अब यहाँ रास्ते आ रहा था, रास्ते में कई महिलाओं ने बुला लिया, टाइम तो लग ही जाए। अच्छा बाबा एक बात बताओ, बोलो आप महिलाओं को ही ज़्यादा सम्मान क्यों देते हैं, कुछ मतलब जेंट्स को भी दे दिया करो। देखो जेंट्स को भी देता हूँ मैं, लेकिन महिला को ज़्यादा देता हूँ, क्योंकि महिला प्रथम है, महिला पूजनीय है, महिला देवी है, महिला बहन है, महिला बेटी है, महिला माँ है, महिला बहुत कुछ है। ठीक है, अच्छा मैं ये वो पूछ रही थी कि प्यार करने के क्या क्या फायदे होते हैं। ओ इतना सुंदर पर्सन पहली बार किसी महिला ने मुझसे किया, मैं इसका उत्तर भी बड़ा प्यारा दूंगा। क्योंकि मैंने सुना है ना कि इससे क्या है, जवानी में चार चांद लग जाते हैं और जो दर्द रहता है वो दर्द हट जाता है, मतलब कई तरीके के फायदे होते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि इसमें क्या क्या फायदे मिलते हैं। अब बिल्कुल शांत होके उत्तर सुनो। प्यार करने का सबसे पहला फायदा, पहली बात तो लोगों ने प्यार करने नहीं आता। प्यार का मतलब ये नहीं होता कि लड़का लड़की के पास जाए और 1 2 3 मतलब समझती है ना, 61 62 63 शुरू होते, वो प्यार नहीं होता। वो होता है हवस, वो मुझे पसंद नहीं है। प्यार का मतलब होता है लड़का लड़की के पास जाए, बड़े प्यार से उसे मीठी मीठी बात करे। हाँ ठीक है। हाँ दूसरा मतलब होता है प्यार का, जब मीठी मीठी बातें हो जाए फिर लड़के को धीरे से अपना हाथ ऐसे रखना चाहिए, केवल हाथ रखना चाहिए, वजन नहीं। उससे क्या होता है, लड़की को इस बात का एहसास होता है कि हाँ कोई मुझे प्यार से स्पर्श कर रहा है। जैसे कि इस समय तुझे भी स्पर्श महसूस हो रहा होगा ना। प्यार का तीसरा मतलब होता है लड़का लड़की को अपनी बाहों में ले लें। देखो अगर मुंह सकोड़ के सुनोगे तो समझ में नहीं आएगा। मैं इसलिए मुंह सकोड़ रही हूँ कि जो मेरा पति है ना वो ऐसा कभी कुछ नहीं करता है। तेरा पति एक तो पागल होगा या अनपढ़ होगा। अनपढ़ तो जरूर है लेकिन पागल नहीं है। पागल ही है जब वो कुछ भी नहीं करता तो इस तरीके से। अरे वो पढ़ो, एक संत ने लिखी थी कोका शास्त्र, उसका असली नाम है काम सूत्रा, यानी काम कैसे किया जाता, उसके अंदर पूरा वर्णन है। तो ये बुक कहाँ मिलेगी? ये बुक जो बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं ना, बुक स्टाइल होते हैं, वहाँ पे मिलती है, मतलब बुक स्टोर। अब वो लड़का जब लड़की को अपनी ऐसे बाहों में ले लेगा तो बड़ा मजा आता होगा, लेकिन खींचना नहीं है उसको, बीचोगे लड़ाई नहीं करनी है, बीचोगे उसको तो लड़की का जो बदन होता है वो नाजुक होता है। यही तो समझता नहीं है ना कोई भी, मेरा पति तो बिल्कुल नहीं समझता, वो तो पता बाबा क्या करता है, ऐसे पकड़ता है ऐसे खींचता है। ये तो एक प्रकार से समझो जैसे किसी सांड ने किसी आदमी में टक्कर मार दी। अब बाबा पता है सेल्फी तो इतना है ना, एक नंबर का सेल्फी है, जब तक बैठेगा तब तक अपनी मतलब की बात करेगा, उसके बाद तो कोई मतलब ही नहीं, अगर उसका मतलब निकला तो। अब अगली बात सुनो, धीरे धीरे करके इसको पटा के रहूंगा मैं। अब क्या बोल रहे हो बाबा? अरे वो जो शक्तियां होती है, मैं कुछ भूल गया था तो मैंने उनसे ये पूछा, मतलब शक्तियां पटा रहे हो? नहीं पटा नहीं रहा था, मैंने उन शक्तियों से ये पूछा है कि चौथे नंबर पे क्या करना है, तो बता दिया मेरे को। बता दिया। अब जब लड़का लड़की को बाहों में ले लेगा, धीरे धीरे उसके नजदीक जाएगा, सबसे पहले उस लड़के को बड़े प्यार, काटना नहीं है, प्यार से चुम्बन लेना है। चुम्बन? अरे चुम्बन, चुम्बन जिसे आज के दौर में बोलते हैं पप्पी।
अच्छा तो चुम्मा बोलो ना तुम भी बाबा, खोल के बोलो। नहीं 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 नहीं, मैं संस्कृत भाषा की बात कर रहा हूँ, तो हिंदुस्तान की असली कहानी है, जो असली कहानी है उसे बोलते हैं चुम्मन। चुम्मन, अब धीरे धीरे चुम्मन लिया जाए। चुम्मन से क्या होगा कि दोनों को एक प्यार का एहसास होगा। अच्छा तो ठीक है बाबा, आप बताओ ना कैसे लेंगे, कैसे देंगे, क्या करेंगे। हाँ, तभी तो मैं उसको ना, उसका तो आज ना सर पे यही मार के ना सिखाऊंगी उसे। मैं एक काम करता हूँ, तेरे को सारा प्रैक्टिकल करके बता देता हूँ, तू भी खुश हो जाएगी, मेरे को तू सीख जाएगी बहुत जल्दी। अब सीखना हो तो जल्दी बता, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को नहाना है। नहाना? हाँ जल्दी बता, जल्दी बता। बाबा सुबह सुबह नहाते हैं? सुबह भी नहाया था मैं, तू जल्दी बता, अब जाने बात मत कर। अच्छा ठीक है, तो ये भी सिखा दो ना फिर। यहाँ नहीं सिखा सकता, यहाँ पे गर्मी लग रही है, वहाँ पे एसी चल रही है, एसी के नीचे लेटूंगा, वहाँ बता। जल्दी बोल, जल्दी बोल। ठीक है ठीक है, चलो आओ तो। चलो चलो निकलो, आप निकलो, मैं आता हूँ। निकलो निकलो। नहीं नहीं बाबा, आप भी भाग जाओगे, चलो पता नहीं।